नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल में। दोस्तों आज के सेशन में हम लाए हैं बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट जो कि AWPL कंपनी के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। इस प्रोडक्ट को आप अपने डेली लाइफ में बिना रूटीन चेंज किए हुए यूज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सुबह सुबह चाय पीने के आदि होते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं थोड़ा सा बता दूँ आउट ऑफ बेस जाकर कि चाय में निकोटीन पाया जाता है जो हमारे बॉडी में लार के साथ मिलकर एक स्वीट पॉइजन का काम करता है जो कि हमारे बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। हमें भूख भी नहीं लगती है जिसके कारण। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट में जो कि AWPL कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है उसका नाम है इको आरोग्यम टी। इस प्रोडक्ट में आपको चाय पत्ती के अलावे 6 तरह के अलग अलग जड़ी बूटियाँ मिलेंगी जो कि हमारे बॉडी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। यहाँ हम आपको बता दें इको आरोग्यम टी में 6 अलग अलग जड़ी बूटियाँ हैं चाय पत्ती के अलावे। अश्वगंधा है, मुलेठी है, तुलसी है, अदरक है, इलायची है और काली मिर्च है। इन सारी जड़ी बूटियों के बारे में यदि हम इनके बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो दोस्तों अश्वगंधा जो है हमारे बॉडी में स्ट्रेस को दूर करता है, हमारी इम्यूनिटी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारे ब्लड में WBC और RBC काउंट को इनक्रीज करता है। वहीं पर दोस्तों मुलेठी की यदि हम बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो मुलेठी हमारे गले में खांसी है या गले में खराश है उसको दूर करने में मुलेठी काफ़ी कारगर है। इसके अलावा डाइजेशन सिस्टम में भी मुलेठी का इस्तेमाल होता है। तुलसी की यदि बात करें तो तुलसी के बेनिफिट्स के बारे में कौन नहीं जानता है। तुलसी अधिकांशतः सर्दी जुकाम में इस्तेमाल होता है, बुखार में इस्तेमाल होता है, काढ़ा के रूप में भी इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो इसमें इंग्रेडिएंट मिलाया गया है इको आरोग्यम टी में वो है अदरक। अदरक दोस्तों हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए काफ़ी कारगर है। इसके अलावा सर्दी जुकाम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इलायची एक तरह का माउथ फ्रेशनर का भी काम करता है। इसके अलावा भी इसका बेनिफिट्स हमारे बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे अच्छे बेनिफिट्स की देता है। नेक्स्ट जो इसमें हर्ब्स मिलाया गया है वो है काली मिर्च। काली मिर्च दोस्तों हमारे डाइजेशन सिस्टम के अलावा सर्दी जुकाम खांसी या बुखार इन सारे चीज़ों में ये काली मिर्च काफ़ी कारगर है। इतने सारे जड़ी बूटियों को मिलाकर इको आरोग्यम टी को बनाया गया है। दोस्तों आप इस इंग्रेडिएंट्स को देखकर ये समझ सकते हैं कि कितना बेहतरीन ये चाय पत्ती है और कितना बेहतरीन इसका टेस्ट होगा चाय बनाने के बाद। तो दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी जो मेरे द्वारा दी गई है AWPL का इको आरोग्यम टी के बारे में। दोस्तों तो इसी तरह की नई जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इस चाय को पीजिए और पीने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।